हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध गीतकार और राज्यसभा के सांसद रहे जावेद अख्तर अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। एक बार फिर जावेद अख्तर अपने बयानों से सुर्खियों में हैं। उन्होंने ईडी और सीबीआई का नाम लेते हुए मोदी सरकार पर बेहद तीखा हमला बोला है। दरअसल जावेद अख्तर पंजाब यूनिवर्सिटी के पटियाला में आयोजित एक कार्यक्रम में गए थे, जहां पर उन्होंने कहा कि देश के मौजूदा हालात ऐसे हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी पर बेहद गंभीर खतरा मंडरा रहा है। गीतकार जावेद पटियाला के पंजाब विश्वविद्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में गए और उन्होंने कहा कि भारत में अभी जिस तरह का माहौल है, कलाकार, गीतकार और समाज के अन्य तमाम बुद्धिजीवी लोग केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय के कारण खौफ में हैं और केंद्रीय जांच एजेंसियों के डर के कारण देश को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर बोलने से डरते हैं। आज देश का माहौल कुछ अलग है, कलाकारों में बड़ी असुरक्षा की भावना है, यहाँ तक कि देश की मीडिया भी कुछ मुद्दों पर चुप रहती है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब जावेद अख्तर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पर हमला बोला है। साल 2013 में जावेद अख्तर ने मोदी के पीएम दावेदारी पर बेहद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी बेहतर प्रधानमंत्री नहीं हो सकते क्योंकि उनका लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन नहीं है। साथ ही उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि नरेंद्र मोदी की सियासी तरक्की देश के लोकतंत्र के लिए भारी चुनौती साबित होगी। उन्होंने तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया कि वो गुजरात में अपने मंत्रियों के साथ चपरासी की तरह व्यवहार करते हैं और इस मानसिकता के साथ भला वे कैसे देश चला सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि केंद्र की मोदी सरकार और बीजेपी जावेद अख्तर के इस बयान को किस तरह से लेती है। जावेद अख्तर के इस बयान ने देश के राजनीतिक पारे को और बढ़ा दिया है, साथ ही मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष को एक और मौका मिल गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।